बहु प्रतीक्षार अंत होइछि। लोकार्पित होइछि बहु अपेक्षित समलय प्रकल्प। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समलय प्रकल्प को लोकार्पण करिछन्ति। एहा पूर्वरु से 5T तथा नवीन ओडिशा अध्यक्ष विके पांड्यान को सह मंदिर रे पहुंची मां को दर्शन करिथिले। यज्ञ स्थल बुली देखिथिले। लोकार्पण कार्यक्रम परे प्रकल्प पई जमी देथिबा परिवार तथा शिल्पी ओ कारीगर मानकु मुख्यमंत्री संबोधित करिथिले। रूपांतरण स्पर्शरे झलसूची मां समलयंक पीठ 40 एकर जमीरे हुईछि समलय प्रकल्प। फलरे समलय मंदिर रे श्रद्धालु पाइबे दिव्य अनुभूति। केवल आम राज्य नुहे बरं देश विदेश मां समलयंक पीठ को आसुथिबा श्रद्धालु माने भिन्न अनुभूति पाइबे। एबे सारा विश्व देखिबो पश्चिम ओडिशार आराध्य देवीक पीठर नुआ रूप। लोकार्पण पूर्वरु होमयज्ञ ओ चण्डीपाठरे कंपी उठिथिला मंदिर चारिद्वार। 4 एकर परिसरें थिबा मांक पीठ रूपांतरण स्पर्शरे 40 एकर को परिव्याप्त होइछि। मंदिर चारिद्वार निर्माण सह प्राकृतिक परिवेश सज्जित होइछि। प्रत्येक निर्माण में खंडोलाइट पत्थर व्यवहार सह स्थानीय संस्कृति को प्राधान्य दि जाइछि। मंदिर परिक्रमा पई परिक्रमा मार्ग प्रवेश द्वार मंदिर कार्यालय पूजक विश्रामालय भेंडिंग जोन जोता स्टैंड आदि को ऐतिह्यपूर्ण भाव निर्माण कर प्रकृतिर एक अपरूप उपत्यकारी कहीं क्यों काल पूजा पाउछंती माँ समलई विपद आपदे लोकों सहा विश्वास गढ़ा होशार प्रमुख शक्तिपीठ तथा पश्चिम ओडिशार अधिष्ठात्री देवी माँ समलेश्वरी मंदिर से ही विश्वास को सम्मान जणी राज्य सरकार 5T उपक्रम पीठर रूपांतरण कार्य आरंभ करते। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दूरदृष्टि और 5T अध्यक्ष विके पांड्यान निरवच्छिन्न उद्यम पर बहु बाधाविघ्न सत्वे रेकर्ड समय मध्य समलय प्रकल्प शेष होती। श्रीक्षेत्र परिक्रमा प्रकल्प पर यह हेउची राज्य में सबुठारु बड़ रूपांतरण प्रकल्प। माँ समलेश्वरी मंदिर रूपांतरण पर 2021 फेब्रुआरी 17 प्रथम पर्यायर 200 कोटी अर्थराशि मंजूर करते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। पर द्वितीय पर्यायर आउ 200 कोटी अनुदान मंजूर होता। जमी अधिग्रहण पर 2022 एप्रिल 15 तारीख में समलय प्रकल्प पर भूमिपूजन होता। वर्तमान पर्यंत जमी अधिग्रहण ठारु आरंभ करी विस्थापितों को थैथान कॉलोनी निर्माण और प्रकल्प निर्माण काम पर 300 कोटी टंका खर्च हो 12 एकर जमीरे प्रतिष्ठित होई माँ का मंदिर। श्रद्धालु और भक्त माने सुविधा माँ का दर्शन करने धाड़ी परिचालन व्यवस्था भोग मंडप और पूजारी विश्राम गृह निर्माण कर प्राय 30 एकर जमीरे मंदिर पारिपार्श्विक विकास कर मंदिर चारिपटे परिक्रमा करने 1 किलोमीटर दैर्घ्य विशिष्ट एक पादचला रास्ता निर्माण कर प्रथम करशार महानदी आलती व्यवस्था कर माँ का मंदिर महानदी जेभि स्पष्ट दृश्यमान हो पार एवं श्रद्धालु माने सुविधा रीतिनीति पालन करेंगे से नहीं 350 मीटर नदीकूल विकास कर पर्यटक मानक महानदी मनोरम दृश्य अवलोकन पैविलियन प्लाजा और डेक आदि निर्माण कर प्रोजेक्शन मैपिंग व्यवहार करी प्रति संध्यारे माँ का महिमामय कहानी प्रचार व्यवस्था होई 30 तारीख पर साधारण श्रद्धालु समलय प्रकल्प बुली भिन्न अनुभूति साउंटी पारे आसंता 31 तारीख में यज्ञ पूर्णाहुति। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा न्यूज रूम।